अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर पार्ट 1 गैस हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वैन डर वाल इक्वेशन। अब आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले हम डिस्कस करें एग्जांपल 4.5 ऑन पेज 89। सवाल में हमें कहा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस इज कैप्ड इन अ सिलेंडर ऑफ 5.5 dm³। अमोनिया गैस को एक सिलेंडर में रखा है जिसका वॉल्यूम है 5.5 dm³ और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने अमोनिया को एज अ रियल गैस लेना है और उसका प्रेशर निकालना है, साथ में हमें कांस्टेंट की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, तो पहले हम डाटा बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एन गिवन है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद हमें वॉल्यूम गिवन है 5.5 dm³, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पर जितने भी गैस के न्यूमेरिकल्स हैं, हम टेम्परेचर किस में लेंगे, केल्विन में। तो 27 + 273 इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। और हमें गिवन है कांस्टेंट ए इज इक्वल टू 4.17 atm dm³ पर मोल स्क्वायर, और बी गिवन है 0.0371 dm³ पर मोल। ठीक है, अब रिक्वायर्ड क्या है, प्रेशर। नाउ सॉल्यूशन। वैन डर वाल इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा, पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। ये इक्वेशन है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। यहाँ पे सवाल में हमें कितना गिवन है, 1 मोल गिवन है। प्रेशर हमने निकालना है, ए की वैल्यू क्या है 4.17, ओवर वी कितना है 5.5 स्क्वायर है। इसके अलावा वी 5.5 हो गया, बी कितना है 0.0371, आर की वैल्यू क्या होती है 0.0821, टेम्परेचर हमने कितना निकाला 300। अब सिंपल हमने आगे कैलकुलेट करना है। 5.5 का स्क्वायर लेंगे 30.25, पी प्लस 4.17 30.25, आगे 5.5 माइनस 0.0371 इज इक्वल्स टू 5.462 इज इक्वल्स टू, आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 300 24.63। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा, इसे डिवाइड करना होगा। 4.17 डिवाइड बाय 30.25 इज इक्वल्स टू 0.137, पी प्लस 0.1378 इज इक्वल्स टू 24.63 डिवाइड बाय 5.462। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 5.462 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, हम इसे इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे ले आए हैं, तो ये डिवाइड हो गया। अब 24.63 डिवाइड बाय 5.462 4.509। ठीक है, पी प्लस 0.1378 इज इक्वल्स टू, हमने डिवाइड किया, क्या आंसर आया 4.509। अब हमने निकालना है प्रेशर। प्रेशर को हम एक साइड पे रखेंगे, इस वैल्यू को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 4.509 माइनस हो जाएगा 0.1378। नाउ आंसर माइनस 0.1378 इज इक्वल्स टू 4.37, पी इज इक्वल्स टू 4.37, प्रेशर की यूनिट atm। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल 4.5 कंप्लीट कर लिया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4.6 ऑन पेज 89। सवाल में हमें कहा जा रहा है कि 2 मोल्स ऑक्सीजन गैस है, जिसे हमने 15.5 dm³ के वेसल में रखा है एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने निकालना है उसका प्रेशर, नंबर 1 जब गैस आइडियली बिहेव कर रही हो और नंबर 2 जब गैस आइडियली बिहेव ना कर रही हो। और वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो कौन सी है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो आइडियल के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और रियल के लिए हमने कौन सी इक्वेशन ड्राइव की थी, वैन डर वाल इक्वेशन, तो यहाँ पर हम वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले डाटा बनाएंगे। डाटा में गिवन क्या है, वॉल्यूम गिवन है 15.5 dm³, टेम्परेचर गिवन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस करोगे इसमें 273 इज इक्वल्स टू 310 केल्विन। इसके अलावा हमें गिवन है नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2 मोल्स। ठीक है, और ए और बी हमें गिवन है, हमने निकालना क्या है, प्रेशर। प्रेशर
तो हेडिंग डालो नंबर वन फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. पी कितना है, प्रेशर हमने निकालना है, वॉल्यूम कितना है 15.5, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 310. नेक्स्ट स्टेप में पी को सेपरेट कर लेंगे. पी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 310 डिवाइड बाय 15.5. इसे जब कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा 3.28 एटीएम. प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम. तो जब ये बात होगी आइडल गैस की, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी. नाउ फॉर नॉन आइडियल गैस, नंबर टू, फॉर्मूला हमने पढ़ा पी प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी. प्रेशर हमने निकालना है, ए की वैल्यू क्या है 1.36, एन की वैल्यू 2, इसका हमने स्क्वायर लेना है, वॉल्यूम है 15.5, इसका भी हमने स्क्वायर लेना है. अच्छा, अब वी कितना है 15.5, माइनस बी की वैल्यू 0.0318. एन नंबर ऑफ मोल के लिए यहाँ पर हम एन भी लिखते हैं, एन आर टी. ठीक है, अब एन की वैल्यू क्या हो गई 2, आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 310. जब इसे कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 3.27. प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम.